आसमान से बारिश कुछ इस तरह कहर बनकर गिर रही है कि करीब करीब आधे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, हर जगह भारी बारिश से हालात खराब हैं। लोग घरों से निकलने में असमर्थ हैं। मजबूरी में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। देश के पूरे 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। करीब करीब सभी नदियां उफान पर हैं। अब ऐसे हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिशें तो की जा रही हैं। ऐसे में वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी अपने क्षेत्र की फिक्र सता रही है। तभी तो उन्होंने इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बारिश से त्रस्त वायनाड के हालात सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के मुताबिक उन्होंने पीएम से बात की और केरल के विशेष रूप से वायनाड में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए हर संभव सहायता की मांग की, जिस पर पीएम मोदी ने भी आपदा के प्रभावों को कम कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। दरअसल वायनाड में एक चाय के बगान में हुए भूस्खलन के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे के नीचे से कुछ शवों को भी बरामद किया गया है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कहा जा रहा था कि भूस्खलन में करीब 200 लोग दबे थे। इसी से चिंतित राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फोन कर उनसे अपने क्षेत्र की व्यथा कही है और उनसे मदद की अपील की है। इससे पहले राहुल गांधी ने देश के कई हिस्सों और केरल में आई भयंकर बाढ़ पर चिंता जताई थी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि वो इस मसले को लेकर पीएम मोदी से बात करेंगे। अब जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी से बात कर ली है तो देखना दिलचस्प होगा कि पीएम वायनाड के हालात पर काबू पाने के लिए अब क्या एक्शन लेते हैं।